अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या किया आपने? हमने कहा था ना हम कर लेंगे। रुकिए हम बैंडेड लेकर आते हैं। कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा कांटा लगा है। रुकिए हम आते हैं। यू मीन धतूरे का शरबत? ठीक है आइडिया तो ठीक है, लेकिन शरबत में मिलाएंगे कैसे? अब वो तो हमें प्लान करना पड़ेगा ना। जस्ट इमेजिन एक धतूरे का बीज और अंशुमन ऐसी गहरी नींद सोएगा, सीधा सुबह उठेगा, फिर वो शिव और पार्वती के विवाह में मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब पता है, वर पक्ष की ओर से तुम लीड कर सकते हो। एंड रिमेम्बर, सुमन वधु पक्ष से लीड करेगी। कोई तो था यहाँ पर। गॉड अब कौन हो सकता है? तो नंदन का ब्रेन वॉश तान्या कर रही है। समधन जी, इतना सारा धतूरा और बेलपत्र काहे मंगाई है? सुना नहीं आपने, महन जी ने 108 शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प उठाया है। इतने शिवलिंग की पूजा होगी तो इतना सामान तो लगेगा ना। हाँ, इन लड़की लोग ये हिसाब करवा दिया इसमें से। तान्या ने नंदन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। इस बार उसका सच सामने लाना आसान नहीं होगा। अंशुमन ये शरबत पी लीजिए। रुकिए अंशुमन जी। अरे अंशुमन जी, आप ये जूस नहीं पी सकते। क्यों? फलाहार में जूस तो पी सकते हैं ना? फलाहार में जूस पी सकते हैं तान्या, लेकिन ये नॉर्मल जूस नहीं है। अंशुमन जी, तान्या ने इसमें धतूरा मिलाया है। धतूरा? व्हाट? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो लीजिए, आप पीजिए तान्या। रुकिए तान्या जी, हो गया खत्म। डाउट क्लियर? शक गायब? कब विश्वास करना सीखेंगे आप? विश्वास कहने की चीज नहीं होती,
करने वाली चीज होती है। देख लीजिए आप लोग, तान्या जी ने दो दो बार मुझे मौत की मुंह से निकाल कर लेकर आई है इस घर में, मेरी जान बचाई है, लेकिन तभी भी इन्हें तान्या जी पर विश्वास नहीं है। डोंट वरी तान्या जी, मुझे विश्वास है आप पे, ब्लाइंड फेथ है। छलनी चली सुपा का शिकायत करने, जिसमें खुद ही 72 को छेद, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तुम कैसे, है ना? चलो चलो अपना काम करो, नहीं तो पूजा में बिघन पड़ेगा। चलो अच्छा, शायद इनको शक हो गया था, इसलिए तो इन दोनों ने गेम पलट दिया। सारा पहुंचा दिया था ना तुमने? सब जी, कल शाम को ही। अरे ये क्या हो रहा है, अभी तक तैयारियां नहीं हुई? अरे कितने काम बाकी है, सूरज सर पे चढ़ गया है, पूजा करनी है, फिर शिव पार्वती विवाह, तैयार हो जाओ जल्दी 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 जल्दी। और मिथिलेश, वो सामान जो तुमने पहुंचवाया था महन जी को। नंदिनी आरती, तुम दोनों सबसे पहले तैयार होने जाओ, सबसे ज्यादा वक्त तुम दोनों को लगेगा। सुमन अंशुमन, तुम दोनों भी तैयार हो गया हो, बाकी का काम हम, अरे कहाँ चली संदन जी, बाकी का काम हम दोनों कर लेंगे, है ना संदन जी? हाँ क्यों नहीं करते ना संदन जी। सुमन, अंशुमन को जूस दे देना बेटा। जी सुप्रीमा। सुनो ये ग्लास भी किचन में रख देना प्लीज। अरे नंदन, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम्हें कौन सा पूजा करनी है, इधर आओ हमारी मदद करो। अच्छे अच्छे बेलपत्र छांट दो जिसमें कोई दाग ना हो। चलो छांट रहे हो? क्या हुआ बिटिया, खड़े खड़े कहाँ हो गया तुमको? नहीं कुछ नहीं, वो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, मैंने कभी शिव पार्वती की शादी नहीं देखी ना, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। सर दर्द हो रहा था बहुत, सोचा कॉफी बना लेती हूँ, आराम मिलेगा। मिक्स जूस रेडी हो गया। मैम कॉफी कहाँ है? आपको कुछ चाहिए? हाँ कितारी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप कॉफी बना के मेरे रूम में ले आओगे? थैंक यू।